को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ बाबा मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। हिंदू धर्म में आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु के स्वरूप माना गया है, इसीलिए दीपावली के बाद पड़ने वाले अक्षय आंवला नवमी के पर्व पर महिलाओं ने श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप का पूजन किया और सुख समृद्धि की कामना की। कई लोगों ने इस दिन आंवले के पौधे को भी रोपा। शहर के आंवला नवमी पर्व के चलते मंदिरों में खासी भीड़ भाड़ देखी गई, जहां मंदिर परिसर में लगे आंवला के वृक्ष की पूजन करने वाले बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चों एवं परिवार के साथ पहुंची और आंवले के पेड़ की जड़ में दूध, रौली, अक्षत, फूल, गंध चढ़ाए, फिर आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा कर दिए जलाकर आंवले के वृक्ष का पूजन किया। इसके बाद महिलाओं ने वृक्ष के नीचे ही भोजन किया। दरअसल मान्यता है कि आंवले के पेड़ के निचले भाग में ब्रह्मा जी, बीच में विष्णु जी और तने में भगवान शिव का वास माना गया है, जिनके पूजन की इस दिन विशेष महत्व होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ के नीचे पूजन कर उसके नीचे बैठकर भोजन करती है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसी के चलते इस दिन विशेष रूप से महिला आंवला का पूजन कर उसके नीचे ही भोजन करती हैं। अथर्व न्यूज सागर। राम राम गोपाल दुबे साईं महाराज। आज आंवली नवमी का क्या महत्व, क्या व्यवस्था? आंवली नवमी का महत्व इसलिए है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी के दिन विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी सहित आंवली के वृक्ष में आज आ जाते हैं। इसलिए सभी माता बहनें और सभी श्रद्धालु लोग आज आंवली के वृक्ष के लिए पूजने से जो अपनी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। किसका व्रत है और इसका क्या महत्व है? आज ये इच्छा नवमी है और ये आंवला नवमी की पूजा होती है। आज ये कार्तिक मास का महीने में कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है और इसमें आंवले से अपनी प्रार्थना की जाती है और इच्छा, जैसे आज इच्छा नवमी है तो सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है आंवला नवमी में। पूजा किस चीज की होती है और क्या महत्व है इसका? ये आंवले वृक्ष का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों देवताओं का वास रहता है और इस दिन जो दान करते हैं वो अच्छा दान बोला जाता है, उसका कच्चा नहीं होता है। इस दिन सभी सुहागन औरतें वृक्ष की पूजा करती है, हल्दी कुमकुम, मतलब 16 प्रकार से, और मतलब इसका फल अच्छा होता है, इसलिए भगवान कृष्ण को भी ये प्रिय है। आंवला की जो पूजा की जा रही है इसका क्या महत्व है और किस लिए की जाती है? जो कुछ मांगना हो मांग लो, भगवान की पूजा है बस। कैसे करते हैं इसको? इनसे